खबर अब झांसी से आ रही है। झांसी के सबसे बड़े और व्यस्त बाजार सीपरी बाजार में लगी आग में 5 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और मलबा हटाने का काम जारी हो चुका है। मार्केट के दोनों ओर का रास्ता बंद कर दिया गया है। कल शाम 6 बजे से रात को 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। दरअसल कल रामा बुक डिपो चौराहे के पास बने बुआर ट्रेडर्स में आग लग गई और बीआर ट्रेडर्स में आग लगने की वजह से आग ने आसपास की दुकानों और मकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। हालात इतने खराब हो गए थे कि सेना और की मदद भी लेनी पड़ गई, सेना को भी बुलाना पड़ गया। इसके साथ एमपी से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। अब मलबा हटाने का काम चल रहा है। यहीं पर इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस भी था। आग में फंसकर इंश्योरेंस ऑफिसर रजनी राजपूत की मौत हो गई। पार्किंग में रखे 45 वाहन भी जल गए। अब आपको क्या हुआ पूरी घटना क्रम में बताते हैं। कल सबसे पहले बीआर ट्रेडर्स की दुकान में आग लगी। आग ने आसपास की दुकानों को चपेट में लिया। आग ने आसपास के मकानों को भी चपेट में ले लिया। हालात बेकाबू हुए तो सेना को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। आग में झुलसने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। मैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का बुंदेलखंड क्षेत्र का युवा का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, इसलिए बताइए कितने लोगों की मौत हुई है? 5 लोगों की मौत हुई है। 12 बजे से 5 बजे तक 5 लोग निकाले गए जी। तो 5 के नाम है? हाँ, 5 के नाम है। एक रागिनी राजपूत हैं और हृदय तोमर, अनुज आमिर। और उत्तराखंड से भी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और भाजपा का राष्ट्रीय संगठन महासचिव वीएल संतोष की मुलाकात हुई है। सूत्रों के मुताबिक कल हुई मुलाकात में लोकसभा चुनाव के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। आपको बता दें कि साल 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी। तब उनके साथ 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। शुरू से कैबिनेट में 3 पद खाली चल रहे थे। फिर मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद अब कुल 4 पद खाली हो चुके हैं। अब चर्चा है कि मंत्रिमंडल से 2 मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है। तो उत्तराखंड से 2 उत्तराखंड के मंत्रिमंडल से 2 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई है इस बैठक में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।